और पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुरक्षा में चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना सकता है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा। बीते शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट के सभी रिकॉर्ड और पीएम मोदी के रूट की सभी जानकारी सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की 3 सदस्यीय पीठ ने पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, SPG समेत दूसरी एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल को जरूरी जानकारी देने का आदेश दिया था। NIA से भी पूरे मामले में सहयोग करने को कहा था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा में हुई गंभीर चूक की जांच के लिए कमेटी का गठन कर सकता है। पीएम मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध की शुक्रवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई जरूरी निर्देश दिए थे। 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर कड़े निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के DGP और NIA से नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा था। इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाने को कहा था। पंजाब हरियाणा SC के रजिस्ट्रार जनरल की मदद के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, पंजाब और केंद्रीय एजेंसियों को सभी सबूतों और साक्ष्यों को सीज करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भी चर्चा हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध पर पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज किया है। पंजाब सरकार की गठित कमेटी आज अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप सकती है। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद चौतरफा घिरी चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार पूरे मामले पर लीपापोती में लगी है। पंजाब पुलिस ने पीएम मोदी का रास्ता रोकने के आरोप में जिन 150 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ IPC की धारा 283 के तहत मामला दर्ज किया है, उसमें ₹200 जुर्माने के साथ थाने से ही जमानत का प्रावधान है। FIR में प्रधानमंत्री के काफिले के रोके जाने तक का भी जिक्र नहीं है। पंजाब सरकार ने जिस हाई लेवल कमेटी का गठन किया था वो आज अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट को पंजाब सरकार गृह मंत्रालय के पास भेज सकती है। पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल करेगी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।